तो हे गाइस, वेलकम टू 16th एपिसोड ऑफ पोकेमॉन फायर रेड। तो आज के एपिसोड में हम लोग आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे, और लास्ट एपिसोड में हम लोग सेलेडॉन सिटी में आ चुके थे, और इसके बाद हमने एरिका के साथ बैटल की थी, जो कि इस सिटी की जिम लीडर है, और उसको हम लोग बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। तो आज इसके एपिसोड में हम लोग इस सिटी को और एक्सप्लोर करेंगे। और आपने मेरे को कमेंट में बता दिया था कि मेरे को गेम कॉर्नर के जो पोस्टर पे जो पहले वाले एपिसोड में जो बंदा खड़ा था, हमने उसको हरा दिया था, तो हमें उस पोस्टर के ऊपर कुछ तो करना है, उस पोस्टर में कुछ तो छुपा है। तो हम लोग उसके ऊपर जाके कंटिन्यू करेंगे, डिस्कवरी करेंगे कि मतलब डिस्कवर करेंगे क्या छुपा है उसके पीछे। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पोस्टर, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। है स्विच बिहाइंड द पोस्टर, लेट्स पुश इट। ठीक है, तो यहाँ पे अचानक से कहीं से तो सीढ़ी बन गई है, जो कि पता नहीं पहले नहीं थी। तो अब मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, वो बंदा यहाँ से गायब नहीं हुआ था, वो बंदा यहाँ से सीढ़ी से नीचे चला गया था। और हम लोग यहाँ पे रॉकेट हाइडआउट में आ चुके हैं, तो मुझे कुछ पता नहीं है यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक नीचे जाने का रास्ता है, और यहाँ पे सारे गेट के यहाँ पे ओके टीम रॉकेट के मेंबर खड़े। तो अभी हमें करना क्या है मेरे को पता नहीं चल रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाते हैं, ये बैटल करने की ट्राई कर रहा है, तो चलो इसको दिखाते हैं कौन बॉस है। तो गाइज़ ये तो हमारे लिए बच्चे के बच्चों का खेल था। यहाँ पे गेट है, पता नहीं क्या करना है गेट का। तो हमने इसको हरा तो हरा दिया है। तो अभी हम लोग ये साइड जाएंगे, ये साइड वो ग्रंट था, तो हम लोग इसको नज़र बचा के जाएंगे। यहाँ पे एक पोकेबॉल है, ओके एस्केप रूम मिल गया हमें। तो अभी क्या करना है हम लोग इसके इससे फाइट अगर नहीं करेंगे, अननेसेसरी बैटल्स क्यों करना। तो हमें नीचे ही जाना पड़ेगा यहाँ पे, क्या पता है? ओके B2, ओके यहाँ पे बैटल करनी पड़ेगी हमें गाइज़। तो गाइस काफ़ी बड़ी बैटल थी, क्योंकि इसके पास पांच पांच पोकेमॉन लेके बैठा था। बट ठीक है, हमने कैसे वैसे हैंडल कर दिया। और यहाँ पे कुछ तो ट्रिकी है, तो हम लोग यहाँ से जाके देखते। ओके हम लोग यहाँ पे तो आ चुके हैं, तो अभी हमें शायद से यहाँ से जाना है। ओके हमें यहाँ पे कुछ तो पोकेबॉल मिल गया, देखते इस पोकेबॉल में क्या है। एक्स स्पीड, जो कि हमारे कुछ काम की नहीं है, क्योंकि हम लोग यूज़ ही नहीं करते उसको बैटल में। यहाँ से हम लोग को एक मून स्टोन मिला फिर से, ठीक है। और अभी क्या करना है हमें, यहाँ से जाके देखते हैं। यहाँ पे एक और हमें TM12 मिला, जो कि था टॉन्ट। अभी अभी कहाँ से जाना है हमें, आई थिंक यहाँ से। फिर अगर देखा जाए यहाँ से, अगर मैं नीचे गया तो जाके देखता हूँ। ओके तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, यहाँ से अभी जाएंगे नीचे, यहाँ पे अभी यहाँ से। और गाइस हमने इसको थोड़ा सा ये ट्रिकी था, बट ठीक है। यहाँ पे अभी लिफ्ट है हमारे पास, ओके तो हम लोग लिफ्ट से जाएंगे, जब सीढ़ी की ज़रूरत नहीं है लिफ्ट होने का। अगर लिफ्ट है तो इट अपीयर्स नीड अ की, ठीक है यार, मतलब लिफ्ट के लिए भी चाबी चाहिए, काफ़ी स्ट्रेंज बात है, बट ठीक है सीढ़ी से जाएंगे हम लोग गाइस। रॉकेट हाइड आउट B1 फ्लोर, ठीक है। यहाँ पे हाइपर पोशन मिला हमें गाइस, और हम लोग यहाँ पे बैटल अवॉइड करें कि बैटल करें, करते हैं बैटल, अवॉइड करके कुछ होगा नहीं। तो गाइज हमने इसे हरा दिया, तो अभी हम लोग को चाबी मिली नहीं अभी तक, शायद से इसको हराने के बाद चाबी मिले, क्या पता। तो साइबीम के सामने हमारे कडाबरा के ये लोग तो कुछ भी नहीं है, बट हमें यहाँ पे गाइस चाबी मिली नहीं। तो अभी हम लोग को फोकट में हम लोग ने इनसे बैटल की, बट फिर भी ठीक है, हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिला, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ से तो ऊपर नहीं जा सकता, यहाँ से ही जाना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे एक और रास्ता है, यहाँ से हम लोग नीचे जाके देखेंगे। ओके यहाँ पे सीधा बैटल करना पड़ेगा मेरे को, तो करते हैं बैटल। काफ़ी वीक बैटल, यहाँ पे पोकेबॉल है, यहाँ पे TM21 मिला, यहाँ पे हमें बहुत सारे TM मिल रहे हैं, चलो अच्छी बात है, कुछ तो अच्छा हो रहा है। मतलब यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, अभी यहाँ पे एक और ट्रिकी जगह है ये। तो अभी हम लोग कहाँ पे जाए, यहाँ पे जाके ट्राई करेंगे,
ये पोकेबॉल उठा लिया हमने, रेयर कैंडी मिली। ओके गाइज, हमें यहाँ पे रेयर कैंडी मिल चुकी है जो कि काफ़ी रेयर होती है, इसलिए उसको रेयर कैंडी बोलते हैं। तो अभी हमें यहाँ से फिर से जाना पड़ेगा आई थिंक, मैं पता नहीं सही जा रहा हूँ कि नहीं, बट फिर भी ठीक है, देखते हैं। अभी यहाँ से हमें आई थिंक ये नीचे जा रहा है ना, तो यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे। और बैटल बैटल हुई नहीं, चलो मैं बैटल अवॉइड कर रहा हूँ, खाली फोकट में बैटल क्यों करने का। ओके, ब्लैक ग्लासेस मिल गया हमें। और यहाँ पे एक और रास्ता है नीचे जाने का। यार यहाँ पे कितने नीचे जाने का रास्ता है, मतलब इतना नीचे क्यों आते हो तुम लोग। यहाँ पे हमें TM-49 मिला जो कि TM केस है, मतलब TM-49 स्नैच है, ठीक है। और यहाँ पे एक और पोकेबॉल है जिसमें हमें मैक्स आइथर मिला, ठीक है, एथर मिला, ठीक है। बट यहाँ पे मेरे को ये बंदे के ऊपर शक आ रहा है, मतलब क्या बोलते हो उसको, शक आ रहा है कि ये अकेला क्यों खड़ा है। तो हमें इसे फाइट करनी पड़ेगी गाइस, पता नहीं। बंदा काफ़ी वीक था। ओ नो, आई ड्रॉप लिफ्ट की। ओके, इसके पास लिफ्ट की है तो अच्छा हुआ मैंने इसको हराया। मेरे को लग ही रहा था कि ये अकेला किसको गार्ड कर रहे हैं, तो बाकी सारे ग्रंट किसी ना किसी को गार्ड कर रहे थे। बट हमें यहाँ पे अभी यहाँ पे हमें लिफ्ट की मिल चुकी है। यार मैं बहुत क्या बोलते हैं इसको, बोलते बोलते हकला क्यों रहा है मैं, मतलब मेरे को हकलाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्यों पता क्या पता क्यों, बट यहाँ पर हकलाने हो रहा है मेरे को। ओके, मैं भूल गया, लिफ्ट तो नीचे रह गई, लिफ्ट तो नीचे थी ना, हमने इसको हरा दिया था, तो हमें इससे अभी डरने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। हाँ नहीं है। अभी यहाँ से हम लोग नीचे कैसे जाए, यहाँ से शायद से, और फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। हाँ मैं सही जा रहा हूँ गाइस। ओके, तो चलो हम लोग अभी लिफ्ट में आ चुके हैं। अभी लिफ्ट से जाए कहाँ हम लोग, मेरे को समझ में नहीं आ रहे। यहाँ पे है B1, B2, B4, B1 जाके देखते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे निकले, हमने इसको यहाँ पे, ये क्या है मेरे को समझा नहीं, हमें इसको बैटल करके पूछना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे हमने इसको बैटल की, बट ये कुछ बोला नहीं। दैट रक्स ओपन सम द डोर, ठीक है यार, मतलब समझा नहीं मेरे को क्या करना है, मतलब यहाँ पे तो आना नहीं था, बी वन पे तो आना नहीं था, बी टू पे जाके देखते हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो सकता है। अरे यहाँ से तो हम लोग आए थे, तो बी टू पे भी कुछ नहीं होगा आई थिंक, तो लास्ट वाला था बी फोर, वहाँ पर कुछ पक्का होगा, क्योंकि बी फोर में हम लोग गए थे क्या, मेरे को याद तो नहीं आ रहा है, बट फिर भी देखते हैं गाइज। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, या फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं है ना। हाँ ओके, यहाँ पे एक पोकेबॉल है जो हम लोग उठाएंगे। यहाँ पे कैल्शियम मिला, ठीक है, पोकेमोन की हड्डी के लिए अच्छा रहेगा कैल्शियम। ओके, यहाँ पे फाइट होने वाली है। हाउ कैन यू गॉड सी ब्यूटी ऑफ आवर इविल, ठीक है, बैटल करते हैं गाइस। ठीक है गाइज, इसको हरा दिया, अब दूसरे को बारी, दूसरे को भी हराएंगे गाइज, तो चलो बैटल करते हैं। तो इनको हराने के बाद सारा, ये दोनों ने गेट खोल दिए, आगे पता नहीं कौन है। ओके, आगे आगे जियो आनी है गाइज, जियो आनी रेड का दुश्मन, टीम रॉकेट का लीडर, तो करेंगे बैटल यार। और ये बैटल स्पेशल होने वाली है, तो इसको हम लोग स्किप नहीं करेंगे। सो आई मस्ट से आई एम इम्प्रेस यू गॉट हियर। टीम रॉकेट कैप्चर्स पोकेमॉन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, दे आर इंपॉर्टेंट टूल्स टू कीपिंग आवर क्रिमिनल एंटरप्राइजेस गोइंग। आई एम द लीडर ऑफ जियोवानिया, फॉर योर इंसॉल्वेंस यू विल फील वर्ल्ड ऑफ पेन। ठीक है, देखते ये बहुत बोला है, देखते इसके पास कैसे कैसे पोकेमॉन है, कौन से पोकेमॉन है, और हमें हरा पाएगा कि नहीं। और गाइस अभी आज मैं बहुत एक्टिव हूँ तो चलो ओके, लेवल 25 का ओनिक्स हम पोकेमॉन चेंज करेंगे। हमारा वॉटर टर्टल कहाँ गया, ओ वॉटर टर्टल आ गया हो यार, मेरे को लगता है इसके लिए एक हार्डन यूज़ कर रहा है, बट इसको पता नहीं। हमारे पास एक वाटर गन है जो इसके लिए इनफ होगी, आई थिंक इनफ होनी चाहिए, क्योंकि मैं सही था, एक वाटर गन की गोली में ये चला गया। अब इसके पास देखते हैं और कौन से पोकेमॉन है। लेवल 34 का हो चुका है हमारा पिजियोट, और फेदर डांस सीख रहा है। फेदर डांस अच्छा मूव है कि नहीं पता नहीं मेरे को, बट देखते हैं।
फेदर डांस छोड़ो, हम लोग फेदर डांस सिखाएंगे नहीं, हम लोग अटैक पे डिफेंस, मतलब हम लोग अटैक के ऊपर फोकस करते हैं गाइस। तो चलो अभी दो तीन ही पोकेमॉन बाकी है तो हम लोग इसको हराएंगे। तो गाइस जियोवानी का दूसरा पोकेमॉन है रायवॉन, जो कि ग्राउंड और रॉक टाइप ही होना चाहिए। हाँ तो हम लोग भी इसके लिए वाटर गन काफ़ी रहेगी आई थिंक, देखते हैं वाटर गन इसके लिए बहुत होगी कि नहीं। ठीक है बहुत थी, मतलब एक ही गोली में जा रहे हैं लोग, मतलब एक ही मूव में जा रहे हैं, तो काफ़ी वीक है जियोवानी। और इसका आखिरी पोकेमॉन है कंगस खान, जो कि एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, और हमारे पास उसको डिफीट करने के लिए आई थिंक नेडो किंग है, क्योंकि उसके पास एक फाइटिंग टाइप मूव है जो कि है डबल किक। तो देखते हैं कितना होगा, मतलब आमना सामना। कंगस खान का लेवल है 29 और इसका लेवल है 25। फेक आउट यूज़ कर लिया, ठीक है, उससे हम लोग आई थिंक फ्लिंच होंगे, जो कि मेरे को लगा ही था। बाइट यूज़ कर रहा है, ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा बट ठीक है यार, देखा जाएगा। इसने बाइट यूज़ किया बट मेरे को लगा नहीं कि ये फ्लिंच क्यों नहीं हुआ। ये बाइट यूज़ कर रहा है तो यार पॉइजन हो जा, कि ये इम्यून है पॉइजन से, पता नहीं गाइज कुछ भी हो सकता है, इट्स सुपर इफेक्टिव बट हम लोग चांस नहीं ले सकते। पॉइजन हो गया, एटलीस्ट पॉइजन हो गया। चलो कंगस खान पॉइजन हो चुका है, हम लोग अभी डबल किक यूज़ करेंगे। आई थिंक ये इसके लिए लास्ट होने वाली है, क्रिटिकल हिट लग चुकी है और ये कंगस खान भी हार गया, हमारा नेडो किंग जीत गया गाइज यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और नेडो किंग को 26 लेवल का हो चुका है हमारा अभी नेडो किंग, तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे हमारे पोकेमोन की काफ़ी सारी प्रोग्रेस हो रही है। वॉट दैट कांट बी, ओमकार गॉट 2900 पोके डॉलर्स, ठीक है। आई सी दैट यू रेज योर पोकेमॉन विथ अटमोस्ट केयर, अ चाइल्ड लाइक यू वुड बी नेवर अंडरस्टैंड वॉट आई होप टू अचीव, आई शॉल स्टेप असाइड दिस टाइम, आई होप वी मीट अगेन, शायद से। ओके हमें सेल्फ स्कोप मिल चुका है, इसका क्या करना है मेरे को नहीं पता। हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे सबसे पहले, तो आई थिंक हम लोग B1 फ्लोर पर जाना पड़ेगा यहाँ से, हमें B1 फ्लोर। चलो फट से निकलते हैं यहाँ से, ये बिल्डिंग मेरे को कैसे अजीब ही लग रही है, तो पहले निकलते हैं यहाँ से। ओके यहाँ पे गेट थी वो भी हट चुकी है, अभी हटो यहाँ जल्दी यार, जल्दी 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 जल्दी, चलो चलो ऊपर चलो। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और आई थिंक आई होप हमने यही करना था ये सिटी में। टीम रॉकेट को हमने हरा दिया है, जियोवानी को भगा दिया है यहाँ से, और हमें सेल्फ स्कोप भी मिल गया जो साइंटिस्ट कुछ तो बोल रहा था, तो अभी हमें उसको रिटर्न बिटर्न देना पड़ेगा, पता नहीं क्या करना है। तो आप लोग मेरे को बताना आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, और अगर आपने ये एपिसोड पूरा देखा तो उसके लिए सबसे पहले बहुत बड़ा थैंक यू, और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और घर पे रहो यार, कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो चलो बाय।